यार अभी एक चलान कट गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत ही अच्छे हो गए यार। वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। और मैं हो गया हूँ आज सुबह सुबह उठ के बढ़िया तरीके से तैयार, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और यहाँ से निकलने का प्लान है। कुछ ऐसी जगह को दिखाने का प्लान है, आपके आपको साथ में ले जाने का प्लान है, जो शायद आपने देख रखा होगा, शायद नहीं देखा होगा। मसूरी के आसपास देयर आर फ्यू प्लेसेस, जिनमें से कुछ को मैं आज के व्लॉग पे कवर करने वाला हूँ, कुछ को मैं अपकमिंग व्लॉग्स पे कवर करने वाला हूँ। सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दोस व्लॉग्स एज वेल। बाकी कल इस रूम का व्यू मैं आपको दिखा नहीं पाया था, रात हो गई थी। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ से जो अमेजिंग व्यू आते हैं, यहाँ से प्रॉपर केदारनाथ पीक्स, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड ऑल दोज पीक्स जितने भी हैं हमारे तीर्थ यात्रा वाले पीक्स इस रूम से दिखते हैं। सो बिकॉज वी डोंट हैव अ बैल्कनी इन दिस रूम, प्रॉपर ग्लास कवरिंग है, तो यहाँ से व्यू तो मिल रहा है लेकिन मैं और आगे जाके आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। पर जहाँ पे गाड़ी पार्क्ड है वहाँ से प्रॉपर व्यू आ रहा है, दैट इज़ अ ओपन पार्किंग जैसे पहाड़ों में होता है, यू माइट बी अवेयर ऑफ। तो वहाँ से मैं दिखाता हूँ ये नज़ारे आपको और इन्जॉय करना आप इन नज़ारों को, प्रीटी मच श्योर आप इन्जॉय करोगे नज़ारों को। तो चलो इसी बात पे शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। अगर आप चैनल पे नए हो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब देन प्लीज शेयर इट टू योर नियर एंड डियर वंस। तो यार गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क्ड है और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, रुको। सो दैट इज केदारनाथ और ये जो आप पूरा रेंज देख रहे हो वो सारे सिस्टर माउंटेन्स, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड ऑल। तो ये पूरा स्नो का माउंटेन्स वाली यहाँ से आपको व्यू मिल रहा है। तो अब समझ आ रहा है मसूरी को पहाड़ों की रानी या फिर क्वीन ऑफ हिल्स क्यों बोला जाता है। वादियाँ तो देख ही रहे हो और नज़ारे तो आप देख ही रहे हो, पूरा स्नो कैप्ड रेंज, पूरा हिमालयन रेंज यहाँ से दिख रहा है और इस प्रॉपर्टी का जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा। तो चलो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। यहाँ से गाड़ी में बैठते फटाक से, गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क्ड है। भैया ने सुबह सुबह मस्त तरीके से धो वो दिया था। अब यहाँ से निकलते और देखते हैं क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं। मसूरी से जब आप केम्प्टी फॉल्स या फिर भाई साहब को हॉर्न मारना था, कोई नहीं उनको हॉर्न मारने देते वरना उनके सामने बोलता तो वैसे भी आवाज़ आती नहीं। तो हाँ, जब आप मसूरी से केम्प्टी फॉल्स की तरफ जाते हो या फिर फॉर एग्जांपल यमुनोत्री के साइड पे जाते हो तो रोड्स आर नैरो, पर रोड्स आर प्रॉपर, आप आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम एज सच है नहीं वहाँ पर। लेकिन हर बेंड में ना एक अलग ही सॉर्ट ऑफ ऑफरिंग, एवरी बैंड हैज़ अ डिफरेंट ऑफरिंग फॉर यू। जैसे कि मैं बोलता हूँ पहाड़ों में एवरी बैंड हैज़ अ डिफरेंट ऑफरिंग फॉर यू। तो एक जगह पे मैं रुका था, गाड़ी वहाँ पे पार्क करी हुई है क्योंकि वैसे भी आपको मिलता नहीं है ना पार्किंग, रोड्स नैरो से हैं तो आपको गाड़ी कहीं लगाना पड़ता है, उसके बाद चल के जाना पड़ता है टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो शायद आप देख पा रहे हो मेरे पीछे व्यू, हल्की 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 झलकियाँ तो दिख ही रही होंगी आपको। बाकी एंजॉय करो इस व्यू को जो मैं दिखाने वाला हूँ अभी। डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू लाइक दिस व्यू। बाकी चलो चलते हैं यहाँ से। यहाँ से केम्प्टी फॉल ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हाँ यमुनोत्री ब्रिज जो है दैट इज अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 odd kilometers। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और वहाँ से दिखाता हूँ आपको नज़ारे। बहुत चलना पड़ता है यार, गाड़ी कहीं लगाओ चल चल के जाओ फिर, पर हाँ इम्पोर्टेंट है फुटेज के लिए, इम्पोर्टेंट है। चलो यार
अभी रुका था पेट्रोल पंप में डीजल डलवाने के लिए, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा दूर जाना है, और इसके बाद पहाड़ों में आपको पता नहीं कहाँ पे पेट्रोल पंप मिले ना मिले। और यहाँ पे रुका था, किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे जस्ट आगे भाई साहब आ गए और इनकी टंकी फुल हो रही है। तो अब इनकी टंकी फुल हो रही है तो 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरी टंकी अगर बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आधा खाली है। ऐसे चल तो जाएगी, इतना डिस्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी यार थोड़ा पहाड़ों में यू नेवर नो ना, इट्स ऑलवेज गुड टू कीप योर टैंक फुल। तो वेट करते हैं यहाँ पे भाई साहब का, जैसे हो जाता है उसके बाद फिर डीजल डलवाते हैं और चलते हैं। फाइनली मौका मिल गया यार, पूरा एकदम ऊपर तक भाई, 91.29 है, महंगा यार यहाँ पे रेट, लेकिन चलो मिल गया मौका। हाँ भैया कर दो, डलवाते डीजल और चलते हैं यहाँ से। यार अभी एक चलान कट गया, मैं चलाते चलाते, गलती मेरी थी, मैं एक हाथ से फुटेज ले रहा था आप लोगों को, फुटेज आप लोगों तक फुटेज पहुंचाने के लिए, और वो कैप्चर हो गया था कैमरे में। अब क्या कर सकते, पुलिस वालों ने रोका, उनसे बात करा, उन्होंने भी समझा मेरी सिचुएशन को कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे करो मत, लेकिन जो चलान है वो तो देना पड़ेगा। अब की बार से थोड़ा वॉचफुल रहूँगा, और क्या कह सकते हो इससे ज़्यादा। तो चलो चलते हैं यहाँ से, पहुँचे गए केम्प्टी फॉल्स। तो यार फाइनली पहुंच गए अपन केम्प्टी फॉल्स पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एरिया है, मार्केट एरिया है, और फॉल्स आगे से नीचे जाना होता है। चलो लेके चलता हूँ आपको वहाँ से, देखते हैं क्या रेट्स, अगर आप रोपवे से आना चाहते हो या फिर अगर आप पैदल आना चाहते हो तो हाउ टू गो देयर। चलो तो हमने कट ले लिया है बेसिकली केम्प्टी फॉल्स की तरफ, जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ पे, यहाँ प्रॉपर मार्केट्स हैं, अब चाहो तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, जो बाकी लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ पे नीचे केम्प्टी फॉल्स के साइड पे, और देखते हैं वहाँ से क्या व्यू आता है क्या नहीं आता। चलो तो यहाँ पे प्रॉपर रोपवे भी है, आप अगर आना चाहते हो रोपवे से तो आप आ सकते हो। 200 rupees पर पर्सन इज द प्राइस ऑफ ईच टिकट। मैं तो खैर सीढ़ियाँ लेके चल रहा हूँ ताकि वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ आपके साथ। तो चलो, तो यहाँ पे 200 के अप्रॉक्सीमेटली स्टेज हैं, तो इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज अगर आप चाहते हो कि हाँ वॉक शॉक करूँ थोड़ा, तो हाँ ले लो ये स्टेज से आ जाओ, अच्छा वॉक हो जाना आपका। तो यार फाइनली पहुंच गए हम केम्प्टी फॉल्स, देख ही पा रहे हो पीछे, अगर आप चाहते हो तो आप अंदर भी जा सकते हो, पानी के ऊपर शॉप्स है फ्रॉम वेयर यू कैन रेंट आउट द स्विमिंग सूट्स और द बेथिंग सूट्स। चलो एंजॉय करो नज़ारों को, यहाँ से फिर निकलते अपने को जाना है यमुनोत्री साइड पे, तो कंटिन्यू करते अपने जर्नी को। भाई 400 सीढ़ियाँ, अब मानो ना मानो इंक्लूडिंग फुटेज 5 मिनट में करके आ गया। अब ये मत बोलना प्रूफ दिखाओ, बोल रहा हो तो मान लो ना यार, सांस तो देखी होगी तो फूल रहा है, तो बोल रहा हो तो मान लो। चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं एंड देन लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। We'll be right back.
केम्प्टी फॉल से यमुना ब्रिज जब आप जा रहे हो तो वहाँ ये रोड और ज़्यादा नैरो हो जाता है और रोड और ज़्यादा सीनिक हो जाता है। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये देखो। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये पूरा रूट है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, वहाँ कहीं केम्प्टी फॉल्स है एंड दिस इज द एंटायर रूट जहाँ से होते हुए अभी घूमते 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 यहाँ से अभी हम आए। कुछ भी बोलो, ये रोड सीनिक बहुत है। तो चलो इस पिक्चरस्क ड्राइव को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। मुझे पता नहीं कितना विजिबल होगा आपको, पर वो है, दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन। आप देख पा रहे हो, दैट इज़ यमुना रिवर और ये आपका पूरा रूट है जिसको लेके अपने को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। टेक माय वर्ड्स गाइस, बहुत ही सीनिक ड्राइव है, एक बार आना तो बनता है। तो आप मेरे पीछे नज़ारे देख ही सकते हो एंड देन आफ्टर दैट जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा वहाँ से अलग लेवल के नज़ारे। ऑलमोस्ट पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। जो यमुना ब्रिज है वो नीचे ही है, जस्ट इसके पीछे ही है। गाड़ी अपन ने वहाँ पे पार्क करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे रुका था आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कि ये यहाँ से रोड डाइवर्ट हो रहा है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो एक रोड आप देखोगे इस साइड जा रहा है जो कि हमारे यमुना ब्रिज के साइड पर जाएगा, दिस इज द वन विच इज़ गोइंग टू यमुनोत्री। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यमुना रिवर पे। ये यमुना ब्रिज पीछे साइड है जो अभी आपने देखा फुटेज पे, और फिर से दिखाऊंगा अभी। और ये पूरा यमुना रिवर है यार, नज़ारे नेक्स्ट लेवल नज़ारे। इफ देयर इज एनीथिंग बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल वैसे नज़ारे, सीरियसली ट्रस्ट माय वर्ड्स ऑन दिस गाइस। मतलब हवा स्टूडेंट का मन कर रहा है कि वहाँ चले जाओ बीच में, रुको आप नज़ारे देखो यहाँ के। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जो रास्ते हैं वो मैंने कोशिश करा आप तक पहुंचाऊं, आपको दिखाऊं। केम्प्टी फॉल से जब आप यहां पे आते हो तो रास्ते थोड़े से नैरो हो जाते हैं और थोड़े अभी क्योंकि बारिश इतनी हुई थी तो लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो दे आर यू नो नॉट इन अ प्रॉपर शेप एज ऑफ नाउ, बट येस बी आर ओ इज़ डूइंग दैट जॉब। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ पोस्ट अ कमेंट एज वेल, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है यार। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कंटेंट और ऐसे लोकेशंस आप तक पहुँचाता ही रहूँ यार, ताकि आप भी मेरे चैनल के थ्रू घूमते रहो और इन्जॉय करते रहो। तो चलो, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच क्रेजी एंड अमेजिंग अपडेट गाइज, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब प्लीज शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। मिलते हैं अगले व्लॉग पे, टिल देन चीयर्स।